हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजिशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी, यानी अपने स्कल के व्यू पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लासेस में अपने स्कल के व्यू पढ़े थे, आज अपने पढ़ेंगे स्कल का मैंडिबल का व्यू, जो अपनी मैंडिबल बोन होती है। मैंडिबल बोन कौन सी होती है? जो अपने फेस के लास्ट नीचे का पार्ट होता है, यानी अपने जो चिन वाला पार्ट है, वो कौन सी बोन है? मैंडिबल बोन। आज अपने उसकी स्टडी करेंगे, उसके व्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके एनाटॉमी की। द मैंडिबल लोअर जो और जो बोन इज द लार्जेस्ट स्ट्रोंगेस्ट एंड लोवेस्ट बोन इन द ह्यूमन फेस। मैंडिबल क्या है? लोअर जो, यानी अपने नीचे का जबड़ा, उसको अपने क्या बोलते हैं? मैंडिबल, या क्या बोलेंगे उसको? जो बोन इज द लार्जेस्ट, ये क्या सबसे बड़ी होती है, स्ट्रोंग होती है और लोवेस्ट होती है, यानी पूरे अपने ह्यूमन फेस में नीचे की बोन होती है। नेक्स्ट देखो, मैंडिबल इज कंपोज्ड ऑफ ए सेंट्रल कर्व्ड पार्ट कॉल्ड बॉडी एंड असेंडिंग रेमी सिम्फाइसिस मेंट इज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। जो अपना मैंडिबल होता है, वो किससे कंपोज्ड होता है? सेंट्रल, यानी बीच में उसके क्या होता है? कर्व्ड पार्ट होता है, यानी घुमावदार पार्ट होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। असेंडिंग रेमी और सिम्फाइसिस मेंट इज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। असेंडिंग रेमी यानी रेम्स, आगे अपने पार्ट आएगा। सिम्फाइसिस मेंट, ये दोनों कहाँ होते हैं? सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के बीच में। कौन सी बॉडी के बीच में? जो कर्व्ड पार्ट होता है, जिसको अपने बॉडी बोलते हैं, उसके बीच में क्या होते हैं? असेंडिंग रेमी और सिम्फाइसिस मेंट। द रेमी एंड इज टू बोनी प्रोसेस, द क्रोनोइड एंटीरियर एंड कॉन्डोइल्ड पोस्टीरियर। रेमी होती है, यानी जो अपना रेम्स होता है, उसके लास्ट में दो बोनी प्रोसेस होते हैं। कौन सी? क्रोनोइड प्रोसेस होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट में होती है। और एक कॉन्डोइल्ड प्रोसेस होती है, वो कौन से पार्ट में होती है? पोस्टीरियर पार्ट में रहती है। इसके बाद देखो, अपने को डायग्राम दिखाया गया है स्कल का, ये पूरा डायग्राम। इसके अंदर अपनी मैंडिबल बोन कौन सी है? ये वाली बोन। कौन सी बोन होगी? मैंडिबल बोन। और ये देखो, यहाँ पर घुमावदार जोड़ जुड़ रहा है, ये कौन सा है? मैंने आपको बताया था कौन सा जॉइंट होता है, ये टेम्पोरल बोन है और ये मैंडिबल बोन है, तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। यहाँ भी देखो, ये दिखाया गया है, ये एंटीरियर पार्ट से दिखाई गई है मैंडिबल बोन, और ये क्या है? लेटरल पार्ट से दिखाई गई है। देखो, इसमें बताया गया है जो ये आगे का कर्व्ड पार्ट होता है, ये क्या होता है? बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। बॉडी पार्ट में सिम्फाइसिस होता है और एक अपना रेम्स होता है। ये जो असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट कौन सा? तो जो खड़ा पार्ट है, यानी ऊपर वाला पार्ट, इसको अपने क्या बोलते हैं? असेंडिंग रेमी। ये क्या, कौन सा पार्ट है? रेम्स। ये पार्ट कौन सा हो गया अपना? पूरा रेम्स। और ये पार्ट बॉडी हो गया। इसके रेम्स के लास्ट में दो प्रोसेस होती है, दो बोनी पार्ट होते हैं, मैंने बताया था आपको। कौन कौन से? इस पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल। और एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्नोइड। ये देखो, यहां पे दिखाया गया है जो मैं आपको मेंटी पार्ट बताया था, सिंफाइसिस मेंटी, वो मेंटल प्रोटोबोन्स जो आगे का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं। और ऐसे छेदनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोरामिना, मेंटल फोरामिना। ये क्रोनोइड प्रोसेस हो गई और ये पीछे वाली कॉन्डोइल प्रोसेस हो गई। और ये कौन सा पार्ट अपना? रेम्स पार्ट। और ये कौन सा पार्ट हो गया? बॉडी पार्ट। ये पूरा कवर्ड पार्ट, यहां से लेके वहां तक, ये कौन सा? बॉडी पार्ट है। और ये क्या? असेंडिंग रेमी। और इसकी दो क्रोनडाइल प्रोसेस होती है।
अब बात करते हैं अपने इसके व्यूज की, इसमें कौन कौन से व्यूज आएंगे। तो ये क्या है, स्कल के एंटीरियर पार्ट में है और इसके जॉइंट्स का है लेटरल पार्ट में। तो इसके कौन कौन से व्यू हो सकते हैं, देखो लेटरल व्यू हो सकता है, पीए व्यू हो सकता है, या कोई एक्सियल व्यू हो सकता है। तो अपने व्यू होते हैं इसके लेटरल ऑब्लिक व्यू 30 डिग्री सिफेलिक एंगल। दूसरा होता है पीए व्यू, एक रहता है अपना इन्फीरियर सुपीरियर, किसके लिए होता है ये, फॉर सिंफाइसिस, यानी जो अपना सिंफाइसिस होता है बॉडी के जस्ट आगे का पार्ट, उसके लिए व्यू होता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सियल व्यू। देखो इस डायग्राम में ये कौन सा पार्ट होता है, सिंफाइसिस पार्ट मैंने आपको बताया था। तो इस पार्ट के लिए कौन सा व्यू होता है, एक्सियल व्यू। आज अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैंडिबल का लेटरल ऑब्लिक व्यू 30 डिग्री सिफेलिक एंगल। पहला व्यू कौन सा आ गया अपना, लेटरल ऑब्लिक व्यू। सबसे पहले अपने बात करें इसके इंडिकेशंस के, इंडिकेशंस क्या रहेगी, बोन है और आगे की एंटीरियर बोन है, हो सकता है बाय चांस कोई फ्रैक्चर हो जाए, पैथोलॉजिस्ट कंडीशन हो जाए, तो उसके लिए होता है। तो इंडिकेशन में क्या लिखेंगे, फॉर फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन, कोई भी फ्रैक्चर या पैथोलॉजी कंडीशन है उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज क्या रहता है, 8 10 और 10 12 का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की, पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो अपन ने पीछे भी क्या लेटरल व्यू पढ़े हैं, तो बताओ लेटरल व्यू की क्या क्या पोजीशन होती है। सबसे पहले पेशेंट को प्रोन लेटाते हैं, फिर उसके हेड को लेफ्ट या राइट साइड में, जो कि अफेक्टेड साइड होती है, उस साइड से टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं, ताकि पेशेंट का स्कल क्या है, लेटरल पोजिशन में आ जाए। लेटरल पोजिशन में आने के बाद क्या करते हैं, पेशेंट के मिडल सेटल प्लेन, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन, आईएम लाइन, सॉरी ओएम लाइन, ऑर्बिटोमीटर लाइन, ये सारे प्लेन्स क्या है चेक करते हैं। फिर पेशेंट के हेड को हल्का सा रोटेट करते हैं, जिसकी उसके चीक और चिन क्या है कैसेट से टच हो जाए, तो वो कौन सा व्यू हो जाता है अपना, लेटरल ओब्लिक व्यू। देखो अपने इसमें पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल, पेशेंट को सबसे पहले टेबल पे प्रोन लेटाते हैं, हेड इज रोटेट टू आइदर साइड सो अफेक्टेड साइड कनेक्ट विद द कैसेट। अब अपने क्या करेंगे, हेड को रोटेट करेंगे लेफ्ट या राइट साइड में, जिससे क्या है अपनी अफेक्टेड साइड है वो क्या है कैसेट के टच में आ जाती है। पेशेंट मिडल सेटल प्लेन इज पैरेलल टू द टेबल, पेशेंट का जो मिडल सेटल प्लेन होता है वो क्या है टेबल से पैरेलल रहता है, यानी समांतर रहता है। नेक्स्ट है इंट्रा ऑर्बिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल, जो पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है, कौन सी, दोनों ऑर्बिट्स को मिलाने वाली लाइन, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन, वो टेबल से क्या है परपेंडिकुलर रहेगी। नेक्स्ट क्या है, रोटेट द हेड स्लाइटली फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स अंटिल द चिन एंड चीक आर इन कॉन्टेक्ट विद द फिल्म। अब अपने पेशेंट के हेड को क्या है हल्का सा डाउनवर्ड्स या फॉरवर्ड्स, यानी आगे या पीछे ऊपर नीचे जैसे भी हिलाते हैं, ताकि उसकी पेशेंट की चिन और चीक क्या फिल्म के कॉन्टेक्ट में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट की, कैसेट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल, कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहेगी, स्कल के वर्टेक्स पार्ट से 1 इंच ऊपर।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेंट्रिंग की, सेंटरिंग कहाँ करेंगे। देखो अपन ने शुरू में व्यू का नाम क्या था, लेटरल ऑब्लिक व्यू 30 डिग्री सिफेलिक एंगल, यानी 30 डिग्री का एंगल देंगे सिफेलिक पार्ट में। कौन से बॉडी पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं, मैंडिबल का, तो सेंटरिंग भी कहाँ होगी, मैंडिबल बोन पे। मैंडिबल बोन पे किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। सेंट्रल रे ओवर द 2 इंच बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल फॉर देस्ट फ्रॉम द फिलम एट एन एंगल 30 डिग्री टूवर्ड्स द हेड। सेंटरिंग कहाँ करेंगे अपने, 2 इंच बिलो, 2 इंच नीचे, किससे, एंगल ऑफ मैंडिबल, जो मैंडिबल का एंगल होता है उससे 2 इंच नीचे सेंटरिंग करेंगे। उससे 2 इंच नीचे सेंटरिंग करने के बाद क्या करेंगे, जो पार्ट अपना क्या है, फिल्म से दूर है, फॉर देस्ट, जो पार्ट अपना फिल्म से दूर है उस पार्ट पे सेंटरिंग करेंगे 2 इंच नीचे, और 30 डिग्री का एंगल देंगे हेड की तरफ। दोबारा देखो इसकी सेंटरिंग, सेंटरिंग कहाँ करते हैं अपने, जो अपना मैंडिबल एंगल होता है यानी जो नीचे नीचे का मैंडिबल का पार्ट है उससे 2 इंच नीचे। अब कौन से पार्ट से, जो पार्ट फिल्म से दूर है उस पार्ट से, यानी जो पार्ट अपना कैसेट के टच में नहीं है, फिल्म से दूर है उस पार्ट से 2 इंच नीचे सेंटरिंग करेंगे और 30 डिग्री एंगल देंगे हेड की तरफ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपेयरेंस की, यानी रेडियोलॉजिकल अपेयरेंस में अपने को क्या दिखाई देगा, तो कैसेट के टच में कौन सा पार्ट है, मैंडिबल पार्ट, तो मैंडिबल पार्ट अपने क्लियरली सीन होगा, उसका असेंडिंग पार्ट, उसकी बॉडी, कोंडाइल प्रोसेस, ये सारे भी अपने क्या सीन होते हैं। तो देखो द बॉडी ऑफ मैंडिबल असेंडिंग रैम्स एंड कोंडाइल प्रोसेस ऑफ द साइड नियरेस्ट द फिल्म आर क्लियरली सीन। जो अपना बॉडी होती है मैंडिबल की वो, और उसकी असेंडिंग रूम्स, असेंडिंग पार्ट एंड कोंडाइल प्रोसेस अपने को सीन होती है, कौन सी साइड की, जो साइड फिल्म के टच में होती है उस साइड की अपने को प्रोसेस क्लियरली सीन होती है। तो देखो आगे डायग्राम में दिखा रखा है अपने पेशेंट के क्या है, चिक और चिन, और इसका पेशेंट का नोज भी क्या है, फिल्म के टच में, यानी पेशेंट की लेटरल ओब्लिक पोजीशन बनी हुई है। अब अपने सेंटरिंग कहाँ करेंगे, जो अपना क्या है, ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये वाला ऊपर वाले यानी फिल्म से तो दूर है एंगल ऑफ मैंडिबल, उस पार्ट पे 2 इंच नीचे यहां सेंटरिंग करेंगे और 30 डिग्री का एंगल देंगे हेड की तरफ। देखो इस डायग्राम में भी दिखा रखा है पेशेंट की पोजीशन लगी हुई है लेटरल ऑब्लिक व्यू में, और जो अपना ये एंगल है मैंडिबल का, इससे नीचे की तरफ 2 इंच नीचे की तरफ यानी यहां सेंटरिंग करेंगे, और इसमें 25 डिग्री एंगल दिखाया गया, 25 से 30 डिग्री तक का एंगल अपने देते हैं, ताकि ये क्या है, ये जो नीचे वाला मैंडिबल है वो ऊपर वाले मैंडिबल को सुपरइम्पोज ना करे और अपने को लेटरल ऑब्लिक व्यू में क्लियरली सीन हो जाए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की, एक्सपोजर अपने इसमें कितना रखेंगे, 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रखने अपने इसमें 75, एमएस रखेंगे 60 और ग्रिड का यूज करेंगे। ये देखो इसमें अपने को दिखा रखा है लेटरल व्यू, तो इस प्रकार से अपने क्या है मैंडिबल बोन सीन होती है, और ये क्या है आगे का बॉडी पार्ट है, और ये जो खड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या असेंडिंग रूम्स, और ये जो कोंडाइल प्रोसेस भी अपने को यहाँ पे दोनों दिखाई देती है। अपने इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या थी, पेशेंट को सबसे पहले प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे, फिर उसके हेड को क्या है एक साइड
रोटेट करेंगे। एक साइड इस प्रकार से रोटेट करेंगे कि उसकी जो अफेक्टेड साइड है वो कैसेट के टच में आ जाए। कैसेट के टच में आने के बाद अपने क्या करते हैं, पेशेंट का मिडल सेटल प्लेन टेबल के पैरेलल हो जाता है, पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन, पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल से परपेंडिकुलर हो जाती है और पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन टेबल से पैरेलल रहती है। देखो तो मिडल सेटल प्लेन और ऑर्बिटोमीटर लाइन लगभग सेम रहते हैं, समांतर रहते हैं। अगर मिडल सेटल प्लेन पैरेलल आ रहा है तो इंट्रा ऑर्बिटल लाइन भी पैरेलल आती है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सेंटरिंग की, सेंटरिंग कहाँ करेंगे। तो सेंटरिंग करते हैं अपने जो अपना दूर का मैंडिबल है जो फिल्म के टच में नहीं है, उस मैंडिबल से हल्की सी 2 इंच नीचे करेंगे और 30 डिग्री का एंगल देते हैं सर की तरफ, ताकि अपनी सेंटरिंग कहाँ हो जाती है, नीचे के पार्ट में, यानी चिन से थोड़ा नीचे की तरफ, जिससे अपने को जो मैंडिबल कैसेट के टच में होती है वो अपने को क्लियरली सीन हो जाती है और उनकी कॉन्डाइल्स प्रोसेस भी सीन होती है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे पीए व्यू की, एंड पीए व्यू कैसे होगा। तो नॉर्मल पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी पीए व्यू में, वही पेशेंट प्रोन टेबल पे लेटेगा, चिन को हल्का सा अपने ऊपर करेंगे, दोनों ईयर पिन्ना की डिस्टेंस इक्वल रहेगी। पेशेंट को इमोबिलाइज करने के लिए अपने सैंड बैग का यूज कर सकते हैं। पेशेंट का मिडल सेटल प्लेन पीए व्यू में कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन पैरेलल रहेगी, ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ये सारी पोजीशन अपनी क्या है पीए की हो जाएगी। और ये व्यू करने के बाद अपने उसके सेंटरिंग की बात करेंगे। तो सेंटरिंग कहाँ करेंगे, जो अपने या तो दोनों मैंडिबल्स हैं उनके बीच में, या फिर पीछे के पार्ट से देखें तो ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस पे सेंटरिंग हो सकती है। वैसे ही अपना जो नॉर्मल पीए व्यू होता है सेम वैसे ही अपने क्या है मैंडिबल का पीए व्यू हो जाएगा। और मैंडिबल क्या है कैसेट के पूरी टच में रहती है, तो अपने को क्लियरली सीन भी हो जाएगी। आज अपना क्या है लेटरल ऑब्लिक व्यू हो गया, नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे पीए व्यू। थैंक यू।